गाइस अभी हम आ गए यहाँ पे गाइस ये देखो इनका आते ही चलान कट गया कितने का। हम राजपूत हैं, ऑफ कोर्स हमें प्राण से ज्यादा वचन प्यारे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। सो गाइस अभी देख सकते हो आप मैं रेडी हो गई हूँ। गाइस अभी मेरा शूट है और मैं जा रही हूँ शूट के लिए, लेकिन गाइस मैं आपको बता नहीं सकती मेरी इतनी बुरी हालत होगी ना, मेरा बीपी लो हो गया, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरे को होश नहीं है। लेकिन गाइस मैं शूट कैंसिल नहीं कर सकती, अब मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा बीपी लो हो गया और मैं मना भी नहीं कर सकती यार शूट आज के लिए, टाइम भी वगैरह सब कुछ सेट कर दिया। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ और आपको पता मैंने कल व्लॉग नहीं डाला था, मिस किया था, व्लॉग मेरे पास बना हुआ था लेकिन मेरे में एडिट करने की हिम्मत नहीं थी गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को। और अभी तो मैं रेडी हो गई हूँ, तो अभी हम फ़िलहाल चलते हैं। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट उधर जाके मिलती हूँ और मैं आपको दिखाऊँगी क्या शूट है क्या नहीं। अभी मैं बताऊँगी नहीं शूट क्या है, आप व्लॉग में एंड तक देखना आपको सब पता चल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं ठीक है। मैंने खाना भी नहीं खाया है गाइस, मेरे को खाना खाने तक की मतलब इतना मन खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेहत ख़राब हो रही है गाइस। तो मुझे लग रहा है कि डॉक्टर से दवाई ले लेनी चाहिए क्योंकि मेरे को 1% भी होश नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी यार इसी हिसाब से। मतलब मेरा पूरा फेस डल हो गया और मेरे को ना मुझे आइज नहीं ओपन हो रही, इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। और मेरे को पता ही ये सब क्यों हो रहा गाइस, मैं रात को ना 2:30 बजे सोई थी क्योंकि मैं ना वीडियो वगैरह एडिट कर रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर मैं सुबह 8:30 बजे उठ गई जिसकी वजह से मेरी नींद नहीं पूरी हुई, बुरी हालत हो गई है यार। तो मैं सोचती हूँ डॉक्टर की शॉप से भी दवाई ले लेती हूँ, मेडिसिन ली है और अभी मैंने खा ली है, तो देखते फर्क पड़ता है। गाइस ये देख सकते हो फाइनली अभी मैं आ गई हूँ। गाइस मुझे इतना टाइम लगा ना, ये देखो ये एक है ना सना चौहान है, तो एक दूसरा भी सना चौहान था स्कॉडा के शोरूम के पास। गाइस मैं उधर चली गई थी, मैं 3 चक्कर लगा लिए, फिर बाद में जाके मुझे अब जाके एड्रेस पता चला, उस इतना मुश्किल ठीक है। 3 बारी चक्कर लगा लिए और मुझे ना इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा है बता नहीं सकती। फिर मैंने मेडिसिन ली, थोड़ा भी रिलैक्स हुआ है। तो अभी गाइस इसके बाद मैंने स्टूडियो जाना रिकॉर्ड, मतलब जिस दिन मेरा इंपॉर्टेंट दिन होता ना उसी दिन मेरा सब खराब था और मेरा गला भी खराब हो गया और मैंने रेस्ट किया। और उसके बाद गाइस उन्होंने पहले बोला कि सबसे पहले हेयर में क्रिम्पिंग कर लेंगे क्योंकि उसके बाद हेयर स्टाइल बनाने में आसानी होगी। और गाइस ये ना मेरे बालों में कर्ल्स करेंगे और अभी मैंने ड्रेस नहीं पहनी है सबसे। गाइस अभी मेरे बालों पे क्रिम्पिंग हो गया है, ये देख सकते हो कितना बंस आ गया बालों में। और मैंने अभी ड्रेस पहन ली है, ये देखो कितने सारे लोग हैं गाइस। अभी मेरे पे मेकअप होगा, तो अभी ये सर इनको कुछ समझा रहे थे तो मैं वीडियो ट्राई करी थी शूट करने का। और अभी आप देख सकते हो इन्होंने सबसे पहले मेरी ड्रेस को कवर कर दिया क्योंकि वो मेकअप कर रहे थे और आइज़ का कर दिया। और अभी मेरे हेयर्स में कर्ल हो रहे हैं और उसके बाद देखते हैं कैसा होता है कैसे नहीं होता यार। गाइस यहाँ पर ना बहुत सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, तो मेरे पे मेकअप हो रहा था और आपको पता मैं इतनी बीमार थी ना, मुझे होश भी नहीं थी बिल्कुल। 1000 years later अभी मैं हो गई रेडी और अभी आप देख सकते हो मैं आपको अपना पूरा लुक बाद में दिखाती हूँ। यहाँ पे आप मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये मेरा मेकअप और लुक कैसा लगा। और फिलहाल अभी हम वीडियो शूट कर देते हैं। दुपट्टा लो वहाँ, शोल्डर से दोनों हाथ में
सोचो कुछ। तो गाइस अभी हमारा शूट डन हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ घर पे और पहले मैं ये चेंज करूँगी सब कुछ जो इतना मैंने मेकअप लगाया है। और गाइस मुझे कमेंट करके बताना है कि आज का लुक आपको मेरा कैसा लगा। और बहुत सारी वीडियो हमने शूट किए जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखेंगे, तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लेना। तो अभी हम फिलहाल फटाफट से ये रेडी जो हुए हैं इसको चेंज करते हैं, फिर आपसे मेरा हो गया है, मैंने चेंज कर दिया। लेकिन ये है यहाँ के सर, इन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको भी अगर करवाना हो तो यहाँ पे आना जरूर, इनसे मिलना, और ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। स्टूडियो 11 प्रो अकेडमी बहुत ही अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मेरा मेकअप किया, फर्स्ट एक्सपीरियंस था लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो आप भी आना, तो अभी हम चलते हैं घर। जब मैं जा रही हूँ और भाई मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी है ना, और आपको पता अभी मेरा ये शूट डन हुआ ना गाइस, इतनी मतलब मेरी सुबह से बुरी हालत हो गई थी। और मैंने ना यार मास्क पहन लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आप सोचो अभी आज सैटरडे ना, संडे और मंडे को मैंने दिल्ली जाना है, वहाँ पे मेरा शो है। तो अभी हम चलते हैं। सो गाइस अभी मैं ऑटो में बैठी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ, और आपको पता है इतनी ज़्यादा धूप हो रही है। और गाइस ये देखो क्या ये ये मॉल से थोड़ी आगे है भैया। गाइस तो यहाँ से मुझे बाबे जाना है। ये भैया मेरे से कितना किराया ले रहे हैं, 80 रुपये, मतलब 100 से तो नीचे मानी नहीं रहे थे, मैं मुश्किल से 80 में माने। अभी गाइस अभी मुझे जाना है, इतनी ज़्यादा लगी है क्योंकि गाइस भूख लगी है तो लगी है। अभी मैं आ गई हूँ घर पर, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे हेयर वॉश, अभी मुझे फिर से नहाना पड़ेगा, हेयर वॉश करना पड़ेगा, फेस वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं इतनी देर मेकअप नहीं रख सकती। और आप बताना मुझे आपको मेरा शूट कैसा लगा और मैं कैसी लग रही थी, मेरा लुक कैसा लग रहा था। 1000 years later. अभी मैं जा रही हूँ बाहर, गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं रेडी हो गई हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो अभी हम चलते हैं बाहर। गाइस ये देख सकते हो बहुत टाइम के बाद, ये क्या नाम है आपका क्या नाम है आपका गाइस ये देखो इनका आते ही चलान कट गया, कितने का, 500 का, 6000 वो गया। गाइस अभी हम आ गए यहाँ पे रोमा में, और अभी हम यहाँ पे कुछ खाते हैं, मेरे वीडियो शूट करनी है, और पीछे म्यूजिक बज रहा है। सो गाइस ये देखो इनका मोहितो और मेरा दारू। गाइस ये देखो स्पेशल मॉकटेल बनाई है इसने। वाओ अंदर से देखो यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्या कंटेंट बनाऊँ। आप तो जो भी है देख लो जो भी बन रहा है ना आप ये देख लो आप, क्योंकि और कुछ ना बनना नहीं है। तो आज कुछ भी मैं डाल दूंगा और इस कुछ भी को आपने सपोर्ट करनी है, ठीक है। अभी मैंने ऑर्डर किए किए थे क्या नाम है मोमोज, और ये क्या किया आपने, प्रॉन्स, दीस आर कॉल्ड प्रॉन्स, प्रॉन्स। कहीं जाना है और मुझे ना दो गाउन चाहिए, एक ब्लैक और एक रेड, मुझे नहीं मिला, मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया ब्लैक, लेकिन मुझे रेड कलर का देखना है। तो अभी मैं जा रही हूँ ट्रेंड्स में देखने के लिए, शायद मुझे मिल जाए, और साथ में मुझे जिम फिट भी लेना है, तो अभी मैं जा रही हूँ। क्या बोला, पहले अभी मैं आई हूँ ट्रेंड्स में, और यहाँ पे देखते हैं हम रेड कलर का कुछ गाउन वगैरह मिल जाए तो अच्छा है। यार मैं पहले ढूंढ लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिम फिट एंड। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर आई थी यार, मुझे नहीं मिल रहा, पूरा जम्मू छान लिया मैंने, लेकिन मुझे रेड कलर का गाउन और जिम फिट कहीं नहीं मिला। ऑनलाइन अभी टाइम नहीं है ऑर्डर करने का क्योंकि मुझे 12 को जाना है यार, मैं क्या करूँ। तो अभी हम जा रहे हैं जूडियो, शायद वहाँ पे मिले। ये रहा जूडियो, और हम यहाँ से 2 बारी घूम के गए बट हमें नहीं दिखा।
यार मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा आज मेरे साथ। अभी मैं यहाँ पे वीडियो में आई, यहाँ पे एक ड्रेस भी रेड कलर में नहीं थी और ना ही जिम फिट था, तो उन्होंने बोला अभी स्टॉक ख़त्म हो गया है तो जब आएगा तब आना। मैं मेरे को 12 को जाना है तो मैं कैसे आऊँगी यार, मुझे अब लगता है कि मैंने ऑनलाइन ही मंगवाना है पड़ेगा। अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा गाइज। मैं आ गई हूँ घर पे।